नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमाचल टीम में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शॉल के बारे में जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर, जो कि प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट में जाएगा मामला, चीन की कंपनी 19,500 लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया से बाहर। प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों के 19,500 मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया से चीन की एक कंपनी बाहर कर दी गई है। भारत सरकार ने चीन की कंपनियों से कारोबार नहीं करने का फैसला लिया है। लैंड बोर्ड लॉ के कारण इस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह कंपनी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से पंजीकृत नहीं है। ऐसे में अब 19,500 लैपटॉप की खरीद के लिए चल रही फाइनेंशियल बिड में सिर्फ एक ही कंपनी बची है। इस एक कंपनी के रेट खुलने के बाद मामला अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा। हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आने वाले 10वीं-12वीं कक्षा और कॉलेजों के 19,500 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। जयराम सरकार अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक लैपटॉप नहीं दे सकी है। शैक्षणिक स्तर 2018-19 और 2019-20 के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक साथ लैपटॉप देने के लिए शिक्षा विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को खरीद का जिम्मा दिया था। 4 कंपनियों ने खरीद में हिस्सा लिया था। 2 कंपनियां पहले ही प्रक्रिया से बाहर हो गई थी। 2 कंपनियों की जब टेक्निकल बिड खुली तो एक कंपनी चीन से पंजीकृत पाई गई। भारत सरकार से संबंधित विभाग के पास इस कंपनी का पंजीकरण नहीं है। ऐसे में कॉरपोरेशन ने इस कंपनी को खरीद प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। अब कैबिनेट बैठक में यह फैसला होगा कि एक कंपनी को काम सौंपा जाए या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के चलते लैपटॉप के इंतजार में बैठे विद्यार्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 1,00,000 रुपए कीमत, किन्नौरी शॉल में उतार दिए गीता के उपदेश। हिंदू और बौद्ध धर्म के समावेश से बनी किन्नौरी शॉल राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें गीता सार और बौद्ध धर्म से जुड़ी कलाकारी कर JSW के बुनकरों ने मिसाल पेश की है। शॉल की कीमत करीब 1,00,000 बताई जा रही है। रिकांगपियो में सजे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले के अंतिम दिन 22 स्टॉलों में से यह स्टॉल लग ही नजर आ रहा था। 5 दिन में इस स्टॉल में 42,000 रुपए का कारोबार हुआ। इसमें JSW के बुनकरों की ओर से 6 माह में तैयार की गई किन्नौरी शॉल आकर्षण का केंद्र रही। इस शॉल में भगवान श्री कृष्ण की ओर से महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिए गए गीता के उपदेश को हिंदी शब्दों में अंकित किया गया है। यही नहीं, शॉल के दोनों बॉर्डर और ऊपर नीचे के स्थानों पर हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह त्रिशूल, महाभारत काल के चक्रव्यूह और चौसर को भी दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म के छोस्तन पल्मा पाल्पे बनाकर JSW के बुनकरों ने बेमिसाल कारीगरी का परिचय दिया है। शॉल तैयार करने वाले बुनकर दीवान सिंह नेगी, संतोष कुमारी नेगी, आशा कुमारी नेगी, यशोदा देवी, सुरेखा देवी ने कहा कि इस शॉल की कीमत 1,00,000 रुपए है। इसे अभी तक बाजार में नहीं उतारा गया है। यह शॉल हिंदू मंदिरों, बौद्ध मठों को केवल सजाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। दीवान सिंह नेगी ने कहा कि JSW ने कई प्रकार की खड़ी उत्पादन के माध्यम से विभिन्न ऊनी पट्टियां महिलाओं के लिए स्टॉल के नए डिजाइन तैयार किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।